तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम है जे जे सी, आ चुके एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हम जाने वाले हैं पेप फोर्ट, जो कि पनवेल साइड है। और आज मैं सोलो नहीं जाने वाला, आज मेरे साथ आने वाला है एक मेरा फ्रेंड, जो कि मुझे कलावंती फोर्ट पे मिला था जब हम लोग ट्रैकिंग करने गए थे। तो पहले हो चुका है बहुत लेट, जबकि मैं उसको बोला 5:30 बजे मिलता हूँ और यहीं बस जा रहे 6 और रोड है पूरा खाली। तो चलते फिर उससे मिलते, फिर आगे की कहानी चलती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो फिर एक बार फिर दिन की शुरुआत होती है हमारी कल्याण से, क्योंकि हमें उसे पिकअप करना है कल्याण से ही। तो अगर तुम्हें कोई भी दोस्त ऐसा बोलता होगा कि हाँ भाई रुक जा, मैं सिर्फ 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो वो दोस्त नहीं है अगर 10 मिनट में पहुँच गया हो, क्योंकि हर एक दोस्त कमीना होता है, वो लेट करेगा ही करेगा। तो उसी तरह मेरा भी है भाई। मेन बात क्या हुई पता है, मैं रात भर जागा ही था, जब जाने की बारी आई ना तब मेरी आँख लग गई। फिर नतीजा ये सामने की लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। वो वहाँ वेट कर करके मुझे पता नहीं मन ही मन कितने गालियाँ दे रहा होगा। चलते मिलते उससे। ओ, उसी का फोन है, उसका फोन उठाया जाए। ये भाई मार्केट पे ले फोन था भाई। अंकल ये दीपक होटल किधर आया? दीपक होटल ठीक है। चलो चले, फोन कहीं गिर ना जाए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो सबसे बेस्ट गूगल मैप है पब्लिक, पब्लिक से पूछो जो रास्ता नहीं कहीं जाता वो भी बता देगी, लेकिन सही आदमी से पूछना, जैसे ऑटो ड्राइवर हुआ या वहाँ के लोकल लोग, दुकान वाले लोग, उनसे। इधर है भाई तू, इधर ही रुकता है। फोन उचला था सर तो तुझा तो पर्यंत कट झाला। अभी काय म्हणतो बोल, आपल्याला या पत्री पूल म्हणून जवळ पडेल बघ। चल मग नाश्ता केला की करशील? नाही। ऐसा लग रहा है ये साइड बारिश गिरेगा और ये साइड नहीं। नॉर्मली इधर सबसे ज़्यादा फॉर्म हाउस है, अगर आप देखोगे आजू बाजू फॉर्म हाउस ही दिखेगा आपको। तो फॉर्म हाउस क्यों नहीं होगा, जब ऐसा देखने लायक प्लेस होगा तो फॉर्म हाउस ज़रूर होगा। मित्रा पेप फोर्टला कुठून रस्ता जाईल? पेप फोर्ट विक्राटगड हा रूट जाणार, पुढून नाही ना गाडी जाईल ना इकडून, हां तिकडं पार्क करून। किती टाइम जाईल इकडून मिनिमम? इकडं पुढून कुठं स्टेड रस्ता आहे ना? बरं रस्ता आहे, काय वाट आहे, गाडी ना जाणार, तेच दिसतं का तेच आहे ना समोर दिसतं, पुढून जाईल ना, जास्ती करून लोक पुढून जातात ना। जवळ पडेल तुम्हाला, नको जवळ, कुठं गाडी उभी राहिली तर जास्त रिस्क गावात। हा नको, पण जास्त
चल मग थैंक्स। हाँ कहाँ से बाइक निकालना पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी दिन आ गए। लाओ ना माँ, तुम्ही काय नाश्ता पण नाही घेतला, तुला म्हटलं तर ऐकत नाही तू। त्या साईडून मेन गेट आहे ना, तर हे मागच्या रस्ता आहे म्हणून। सो गाइस बात ये है कि हम लोग को रूट मिल नहीं रहा था। यहाँ के गांव वाले बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें रूट बताया है। बोल रहे थे कि मेन गेट से पुलिस वाले जो तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सो हम लोग पीछे वाले रास्ते से आ रहे। अरे आशीष मेरे को कंफ्यूज कर रहा है हिंदी और मराठी बोल के, मतलब भाई से किस लैंग्वेज में बात करूँ समझ में नहीं आ रहा है। लास्ते कशाला मुली बनी लास्ते कशाला ऑडियंस इकड़ा है, तू कुठे है? ठीक है मंग चला। सो सामने जो आपको टेंपल दिख रहा है वहाँ पर जाना है, और भी इस वक्त हम लोग इधर नीचे ही है। तो अपन कितने टाइम जाए, दो तास दोन घंटे तक जाना है। एक तास दो, चलो फिर एक घंटा मान के चलते। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ से गिरे तो। आता पता भी नहीं रहेगा कुछ, संभव नहीं बाबा। तुम्हें असले बोटे घेतलेस कशाला, खड्ड्यात पाय ठेव, खड्ड्यात खड्डा दिसतोय ना इकडं तिकडं। यायचं पोट आहे पूर्ण। तो एक आदमी जाने लायक है आराम से, बट कुछ मिलना नहीं चाहिए अंदर। तो लेट्स सी क्या दिखता है, पढ़ के लाते। डीप आहे रे, मी दिसतोय की नाही? रेस्क्यू करून घेशील हा, वाचून घेशील का? तो सोड बे, इकडं कोणते तरी जानवरच्या लेडक्या दिसतायत। मतलब ये सब देख रहे हो ना, किसी जानवर की टट्टी है, और हम बता नहीं सकते कौन सी जानवर होगा अंदर। सो यहाँ से रिटर्न जाने में भला ये। और तो गणपति भगवान की प्रतिमा, और ये अंदर बड़ा सा गुफा। अरे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति। श्री दत्त मंदिर प्रति गिरनार पेब किल्ला विकटाड़गढ़ विकटगढ़ विकट। सो ये है सामने, और कुछ ये नज़ारा। इस साइड बहुत फॉग है, सो कुछ दिख नहीं रहा है। चल ती भी शिव चल, ए ए ए जाओ जाओ, तो पिशू नको उचलो ना, आपल्याला उचलेली हो।
सो ये पीने लायक पानी है, सिर्फ बारिश में इधर में पीने लायक पानी मिल पाएगा, बाकी गर्मी के टाइम खुद लेके आओ। तो अभी पीते और सामने गाड़ावरचा गणपति, यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं इतना अच्छा, हमको ऊपर से देखना पड़ेगा। सो पहले नीचे से देखते फिर ऊपर से भी देखेंगे। यहाँ पर बैठ के और इस नज़ारा का मज़ा लेके हम लोग थोड़ा कुछ खाने पीने वाले थे, लेकिन इस भाई साहब को बहुत ही तकलीफ हो रहा है जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है। पूरी गैंग बैठी है ऊपर, झूठ नहीं बोल रहे, देखो इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। जाने देते जाओ ना। पहले हम उस पॉइंट पे नहाए, फिर इस पॉइंट पे, और सबसे मेन पॉइंट था ये जहाँ पानी गिर रहा है। सो ये तीनों बेस्ट पॉइंट से सबसे बेस्ट पॉइंट ये था जिसे हमने मिस कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करेंगे। सो सामने ये नहीं, ये पे फोर्ड।